के लिए पान सेक बनाएंगे, उसके लिए 2 पान, जिंतान, टूटी फूटी फ्रूट, ग्रीन कलर, गुलकंद, सौंफ, धनिया, इन दोनों को हमने सेक के रखा है, 4 लौंग, 4 इलायची, 8 गोलमिर्च। अब हम इसका पेस्ट रेडी करते हैं। अब हम 2 पान के पत्ते लेंगे, इनके छोटे पीसेस करेंगे। यदि आपको फ्लेवर ज़्यादा डीप चाहिए तो आप 1 पान का पत्ता और ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें इलायची, गोल मिर्च, लौंग, धनिया, सौंफ ऐड करेंगे। यदि आपको नारियल पसंद है तो आप 1 नारियल का छोटा पीस इसमें ऐड कर सकते हो। यदि कच्चा नारियल हो तो आप कच्चा नारियल ही ऐड करें, नहीं तो आप 1 टीस्पून इसमें नारियल का गुड़ा भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें 2 टीस्पून गुलकंद ऐड करेंगे और इसे पीसेंगे। पेस्ट को हमें एकदम स्मूथ बनाना है, इसलिए थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने इसमें 4 टीस्पून शुगर ऐड की है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून फ्रूट ग्रीन कलर ऐड करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार कलर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो और इसे अच्छे से पीसेंगे। देखिए पेस्ट एकदम स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें आइस ऐड करेंगे और वापस इसे अच्छे से पीसेंगे। वैसे तो हमने पेस्ट को एकदम पीस का स्मूथ कर लिया है, आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो। एक जार लेंगे, उसमें हम 2 गिलास मिल्क डालेंगे। जो हमने पेस्ट पीस कर रेडी करके रखा था वह हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा मिल्क हम इसमें और ऐड करेंगे और साइड में जो लगा है वह अच्छे से निकालते हुए वह हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे पीसेंगे, हम इसे ज़्यादा नहीं पीसना है, एक दो बार ही हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। 5 सेक रेडी। टूटी फूटी केसर इलायची से हम गार्निश करेंगे। गार्निश हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। गर्मी में कुल कुल 5 सेक बनाइए और टेस्ट का आनंद लीजिए। थैंक यू।